हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंगूस किचन। तो आज हम बनाएंगे गुजराती लापसी, गेहूं के आटे की लापसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बाउल गेहूं का आटा, जो दरदरा पिसा हुआ होता है, भाखरी वाला, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 2 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल का हमें इसमें मोई देना है, तो ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि लापसी हमारी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बने। तो अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से होना चाहिए हमारा आटा। इतना हमें ऑयल डालना है, इसीलिए मोई डालने में ध्यान रखें। अगर आपको ऐसे पता ना चले तो इस तरीके से करके देख लो। तो अब ये रेडी हो चुका है, अब हम रख देते हैं इसे गैस के ऊपर। अब इसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे सेकने देंगे। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट गुड़ वाला पानी करके उसमें ये आटा डाल देते हैं, पर ऐसे आप पहले से ही अगर ये आटा सेक लोगे तो फिर बाद में ये बिल्कुल चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से पक जाएगी। तो ये है एकदम नया तरीका। तो इस तरीके से हम अच्छे से सेक लेंगे, और आपको जैसे ही सिक जाएगा तो स्मेल आने लगेगी आटे की, तो गैस हम बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और वही हम पैन में 2 बाउल पानी ऐड करेंगे। जो बाउल भर के आपने आटा लिया था, वही बाउल भर के हमें पानी लेना है। मतलब कि जितना आप आटा ले रहे हो उतना ही हमें पानी लेना है। और 1 बाउल मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप गुड़ अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ये गुड़ के पानी को हम उबलने देंगे पहले, बाद में ही हम आटा इसमें ऐड करेंगे। अगर आपकी लापसी चिपक जाती है और अच्छी नहीं बनती है और बहुत ही चिपचिपी बन जाती है कई लोगों की, तो ये तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लापसी बनेगी। और आप लोग मुझे ज़रूर याद करोगे जब आपकी लापसी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये गुड़ का पानी भी उबल रहा है, अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सिका हुआ जो आटा है, वो ऐड कर देंगे। हाथों की मदद से हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखें, एक साथ में आटा ऐड नहीं कर देना है, चारों तरफ फैलाना है इसे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये चिपक ना जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नॉनस्टिक पैन में ही हो सकती है, आप कोई भी पैन ले सकते हो, ये लापसी चिपकेगी नहीं आपकी। तो ये सब आटा हमने ऐड कर दिया है, तो हाथों की मदद से हम पूरा पानी को ढक देंगे, इस तरीके से कर दिया है। और बेलन की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे और इसे हम 2 से 5 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए आटा हमारा। ये लापसी बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो अभी हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आटा हमने पहले से सेक लिया है, इसीलिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेलन की मदद से ही मिक्स करेंगे पहले। अगर हमने आटा पहले से नहीं सेका होता है तो इसे पकने में भी देर लगती है और ये नीचे बैठ जाती है और जल भी जाती है। तो ये देखो, लापसी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और नीचे चिपकी भी नहीं है। अभी दिखने में आपको थोड़ा चिपचिपा लग रहा होगा, पर हम जैसे ही गरम घी में डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी, खिली खिली लापसी हो जाएगी हमारी। तो देखो, अच्छे से मिक्स करना है। एक ध्यान रखना है कि आटा हमें अच्छे से सेकना है, वरना ये पकने में टाइम लग जाएगा। तो ये अभी मिक्स हो चुका है, इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। और वही पैन में मैं घी ऐड कर रही हूँ। कई लोग वो जो लापसी हमारी थी उसमें ही गरम घी करके डाल देते हैं,
पर ऐसे घी आप गरम करके फिर उसमें लापसी ऐड करोगे तो वो नीचे भी नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छे से खिली खिली बन जाएगी। तो घी को होने देते हैं गरम। यहाँ पे मैंने आधा बाउल जितना घी यूज़ किया है, अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी थोड़ा गरम करके ऐड कर सकते हो। तो ये घी अभी गरम हो रहा है, गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। पैन साइड में थोड़ा गंदा दिख रहा है पर इट्स ओके, चलता है। तो ये घी गरम हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे लापसी। ये देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, अब कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अभी जल्दी से ये एकदम ही अलग रंग की दिखने लगेगी। जैसे ही गरम घी में पड़ती है तो ये बहुत ही अच्छे से खिल जाती है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी भी पूरा सब में मिल जाए। गैस की फ्लेम हम एकदम लो ही रखेंगे इस टाइम पे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हो गई है ना एकदम दानेदार। ये देखो एकदम बढ़िया लापसी बन चुकी है और इसमें घी भी बहुत अच्छा ही है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इस टाइम पे घी गरम करके थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे नीचे ले लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर, आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालना। और सूखा नारियल को कद्दूकस किया हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आपको कोई ड्राई फ्रूट भी पसंद है तो वो ऐड कर सकते हो, पर इतना काफ़ी है लापसी में। तो मिक्स करते हैं अच्छे से। अगर आपको बिल्कुल भी लापसी बनाना नहीं आता है तो भी ये आप एक बार देख के बहुत अच्छी लापसी बना लोगे, तो अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। तो आज आपके लिए था ये स्वीट डिश। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।